कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश सरकार के निर्णयों पर युवा कांग्रेस हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के उपाध्यक्ष मोहित चौधरी ने सवाल उठाए हैं। मोहित चौधरी ने प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर को याद करवाया है कि वह प्रदेश के मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक तरीके से बने हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ये भूल जाते हैं कि भाजपा के लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है और ये सेहरा पूर्व सीएम धूमल के सिर लगना था, लेकिन बाई चांस ही जयराम ठाकुर को मिला है। इसलिए आज बीजेपी के नेता ही अपनी पार्टी को कटाक्ष करने में लगे हुए हैं। बड़े दुख की बात है कि आज प्रदेश की सरकार, भाजपा सरकार, ऐसे अनाड़ियों की तरह फैसला ले रही है कि जैसे हिमाचल की जनता के साथ इनकी कोई दुश्मनी हो। जयराम ठाकुर जी ने पिछले कल कैबिनेट की बैठक की और कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया कि 2 घंटे की जो है ढील दी जाएगी। इससे जो है प्रदेश में जैसे देखा जाए कि जिस तरह धड़ाधड़ करते कोरोना के केस आ रहे हैं, उस तरह जयराम भी धड़ाधड़ ढील के फैसले ऐसे ले रहे हैं कि जैसे प्रदेश की जनता के ऊपर इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं हो। मेरा जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है, उनको मैं बताना चाहता हूँ, उनको याद करवाना चाहता हूँ कि आप प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से बने हैं। और एक बात उनके ऊपर मैं और कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है और आपको मुख्यमंत्री भाजपा के लोगों ने बनाया है, केंद्रीय नेतृत्व में बनाया है, हिमाचल की जनता ने नहीं बनाया है। क्योंकि ये जो सेहरा था ये प्रेम कुमार धूमल के सिर पे लगने वाला था, आप उनकी पकाई हुई रोटियों को खा रहे हैं और प्रदेश की जनता के लिए फैसला नहीं कर रहे हैं, प्रदेश के हित में फैसला नहीं कर रहे हैं। हमें ये समझ नहीं आ रही है कि जिस तरह से भाजपा में कटाक्ष हो रहा है, भाजपा में दिन प्रतिदिन कटाक्ष हो रहा है, बड़े नेता जो हैं ये कटाक्ष कर रहे हैं, तो अब ये नहीं पता लग रहा है कि जयराम जी भाजपा का बेड़ा गर्क कर रहे हैं कि भाजपा जयराम जी का बेड़ा गर्क कर रही है। क्योंकि भाजपा के जो वरिष्ठ पूर्व मुख्यमंत्री हैं सभी जयराम जी के अगेंस्ट बोल रहे हैं कि ये फैसला नहीं ले रहे, और वो सत्य की बात है कि ढंग से फैसला नहीं ले रहे, ढील दी जा रही है और लोगों को वो राहत प्रदान नहीं की जा रही है, और वहीं जयराम जी खुद ब खुद फैसले लिए जा रहे हैं। कैबिनेट के जो लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं वो मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको ढंग से फैसले लेने होंगे, आपको प्रदेश हित में फैसले लेने होंगे। आप हर जगह अपनी नई नई टिप्पणियाँ कर रहे हैं कि हमने लोगों को ये राहत प्रदान की, आपने क्या राहत प्रदान की? आपने 1 रुपये की राहत प्रदान नहीं की है प्रदेश की जनता को।